आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आइ स्टूडियो में एक गोटे चर्चित गायक के बजौने छी, जे मधेसी आ संपूर्ण नेपाली के मन आ मस्तिष्क में राज कर सफल भेल छै, रविराज शाह। आइ हुनका स्टूडियो में बजौने छी, सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम। धन्यवाद। बातचीत के क्रम शुरू करबे करब, ओहिसँ पहले एकटा अपने जे लोक स्टार जे रियलिटी शो छलै ओहिमे टॉप सिक्स में पहुँच सकलिए, सफल भेल छी, एकटा मैथिली गीत से शुरुआत करै छी, तेकर बाद फेर बातचीत करब जाय रहते, एकटा गीत सुनायल जाय। कोनो गीत, मैथिली या नेपाली कोनो? ऑब्वियसली अपन टीवी, अपन मिथिला के टीवी में हम इंटरव्यू दै छी, तऽ हम चाहब कि मैथिली से शुरुआत करी। और एकटा गीत, हम बहुत सारा मैथिली गीत गाबली, जाहिमे से एकटा गीत बड़ी वायरल भेल छलै, गोदना के गीत, तऽ हम चाहब वह गोदना के एक लाइन सुनाई। कि उतारा हिराज सजाले एक नटिनिया रे जान लई एक नटिनिया रे जान बैसिर गेलै कदमा बिरछिया रे जान अझिर छिर बाह लाई सीताली बसतिया रे जान सीताली बसतिया रे जान घर सा बहरे लई सुनर पुतहुआ रे जान घर सा बहरे लई सुनर पुतहुआ रे जान। जी, बहुत बहुत नीक। अपने के यात्रा, जे एकटा नेपाल के कला क्षेत्र के बात करी, तो मधेसी समुदाय ओत तक बहुत कम पहुँच सक रहा है। एहन अवस्था में एकटा मधेसी भ के नेपाल लोक स्टार, जे बहुत बड़का एकटा रियलिटी शो है, तैमे टॉप सिक्स धर के यात्रा अपने के लिए केहन रहले यात्रा? यात्रा एकदम आनंदमय रहले, उल्लासमय कहबे, और सब संपूर्ण नेपाली के प्रेम पाकर हम एत धरि पहुँचली, एकरा आनंदमय ही कहबी हम। जी, अब यात्रा के जना कि टॉप सिक्स धरि अपने पहुँचलिए, और टॉप फाइव में मतलब किछ हजार वोट और अपने के भेट जेतिए, तो टॉप फाइव में पहुँचती, तक बाद टॉप थ्री, तक बाद मतलब टॉप फोर फाइनलिस्ट रहे, फाइनलिस्ट रहे ने? जी, तो टॉप फोर तक पहुँच जेतिए, मतलब बीचे में छोड़ पड़े, एक दुख अज मधेसी समुदाय के संपूर्ण नेपाली के एक दुख से लगे कि वंचित रह गए, यद्यपि नेपाल लोक स्टार कह के अपने के चिन्हल जाए। देखियो, फाइनल के ताज औपचारिक रूप से हम नहीं पहिरलो, लेकिन हमरा जेना लगे है कि हमरा ताराई, हम एक मिथिला मधेस के बेटा, हम संपूर्ण नेपाली के आम जनता के दिल में बैसलो, हम आउट भेलो, तो हम टेलीविजन के एक फॉर्मेट है, क्यों ने क्यों हमारे जो 2 से 22 हजार लोग छे, जैसे आखिर में फाइनलिस्ट तो कोनो एक बनती, लेकिन टॉप 10 में आ गला के बाद, मतलब एक शुरू में तो पहले जज के हिसाब से हो, बाद पब्लिक च्वाइस में जाए, टॉप 12 के बाद तो पब्लिक च्वाइस में भी हमार हाइएस्ट वोट भी कते बार आयल, लेकिन कहियो काल की हो कि किछ वोट से मतलब हम पाछू पड़ गई, तो एक कार्यक्रम के फॉर्मेट वोट अहाँ के भेज दीजिए, तो टॉप फाइव के यात्रा सहज भती है। उस संख्या तो हमरा औपचारिक रूप से ठामन कहला नहीं मिलती, लेकिन बहुत कम मत से हम बाहर भेली, ये बात बुझू कि नेपाल लोक स्टार के जब पब्लिक च्वाइस में गेली, तो सबसे ज्यादा बेर हाईएस्ट वोट पावे वाला हम छी पब्लिक के नजर में, सबसे ज्यादा बेर, लेकिन एक कहियो काल होइ छै ना, हाई 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 करते करते मतलब हाई रहे। अब अहाँ के शिखर में पहुँचाब के बात करी, नेपाल लोक स्टार बनाब के जखन बात छलै, ओहिमे मधेसी समुदाय से असकरे अहाँ एक प्रतिस्पर्धी छलिए ने? जी, मधेसी समुदाय के वोट जै अनुसार मिलक चाही, ओहि अनुसार जै किस्म के शुरुआत के समय में एक वोटिंग होइ छलै, तेहन किस्म के कतौ कमी देखल गेलै? देखियौ, हम ई बात के कहीं ना कहीं टॉप सिक्स धरेली, तो सिर्फ मधेसी समुदाय नहीं, बल्कि हमरा सबके वोट मिलल से हम और के छिते छी, और के छिते छी, लेकिन एक चीज के छी, मधेस में एहन किस्म के वोटिंग करअ पड़े छै, के प्रैक्टिस नहीं रही, बहुत लोग के जानकारी के अभाव, जानकारी में भी टेक्निकल जानकारी,
कैलाकि वोटिंग तो वोटिंग के मतलब मधेश में सिर्फ बैलेट में बुझै छै, लेकिन ई वोटिंग रहै डिजिटल वोटिंग अहाँ SMS के द्वारा IME एप के जे IME पे के जे एप छै ओहि द्वारा रहै वोटिंग। तऽ हमरा लागैए कि वोटिंग हमरा पर्याप्त भेल लेकिन और बेसी भऽ सकैत रहलै कैलाकि टेक्निकल अभाव के कारण और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण, कैलाकि एहन प्रैक्टिस एहिसँ पहिने मधेश में नहि रहै। बहुत सारा लोग हमरा बुझाइए नया अनुभव सब गोटे के भेले और हमरा विश्वास है कि अब रविराज के बाद यदि कोनो हमर और मधेश से यदि कोनो और भाई यदि कोनो रियलिटी शो में जाए छे तो उनकर स्टार्टिंग में उनकर प्रतिभा के कारण से बाहर भ जाए वो अलग बात छे, लेकिन वोटिंग के कारण से बाहर नहीं होती जेना हमरा बुझाइए। अब प्रैक्टिस भ गेले, अब रास्ता खुल गेले, आब वाला जे और भी जे प्रतिभा सब छे मधेश में एक से एक प्रतिभा है जी। आब तो भले कि जना कि अपने टॉप सिक्स में पहुँच कर वैसे बाहर हुआ पड़े अहाँ के नहीं वोटिंग ओते जते वोट मिलक चाहिए ओते नहीं भेटल एक बात है। एक फॉर्मेट के बात करी जे कार्यक्रम के फॉर्मेट है ओना बहुत के दुख लगल यद्यपि जनता के हाथ में छे ना अहाँ के टॉप बनाबे के जनता के हाथ में छे जी जी। अगर जनता के हाथ में नहीं रहते जज के हाथ में रहते तेहन अवस्था में वास्तव में कि भ सकै छले एक फॉर्मेट के सेहो बात आबि रहल छै कि अत्ते बढ़िया अत्ते सुंदर अत्ते निक गाव वाला जे सब भाषा में गाबि सकै नेपाल के जे प्रमुख भाषा सब छै चाहे नेपाली होय चाहे मैथिली होय भोजपुरी अवधि थारू अहाँ सब भाषा में गीत गौले ने जी जी। लेकिन अहाँ जका प्रतिभावान व्यक्ति टॉप सिक्स धरि मात्र पहुँच सकले तऽ कतौ ने कतौ ई जे कार्यक्रम फॉर्मेट जे छलै ने ओ फॉर्मेट में त्रुटि रहलै एहन किस्म के फॉर्मेट नहि हेबाक चाही से कतौ लगैए नहीं नहीं देखियो कोनो भी रियलिटी शो करे से पहिने ओकर विज्ञ सब ओकरा अध्ययन करी छी मान लियो पब्लिक चॉइस में स्टार्टिंग में तो अगर वह जज सब सम्मानित जज सब हमरा नहीं भेद देख के नहीं भाषा देख के हमरा सबसे पहिने तक उनका यदि ओहन किस्म के कुछ रहती तो हमरा शुरू में छाँट देती ना तो 22,000 लोग में से जज मेगा ऑडिशन में सेलेक्ट कल गई 700 ओकरा बाद 300 ओकरा बाद 100 ओकरा बाद टॉप 25 और टॉप 12 तक हम तो जज के चॉइस में छी ना उनका में लागले कि जज सब के चॉइस में ई व्यक्ति आ सके छी ओकरा बाद पब्लिक चॉइस में गेली तो पब्लिक चॉइस में गेला के बाद की छै कि अहाँ के प्रचार प्रसार अब चुनाव में कैंडिडेट से के प्रचार प्रसार केकर केते छै अब हम ओहि ठाम टेलीविजन में हमरा हाथ में तो सिर्फ गीत गाबे के रहै अब भ सकैए कि जे टेलीविजन से कार्यक्रम प्रसारण होइ छै हमरा सब के देख के प्रैक्टिस मधेश में कम रहे इहो भ सकै छै ने जे लेवल के प्रचार लेकिन जितना भेलै जतय धैर एलियै हमरा लागैए कि हम संतुष्ट छी। बहुत सारा उदाहरण भी छै रियलिटी शो के इतिहास में जे कि टॉप सिक्स टॉप एट टॉप टेन में आयल सिंगर आज विश्व में नाम छै ओकर संगीत के दुनिया में जेना कि अपने के एकटा रियलिटी शो में आइ भारत के सबसे बड़का सिंगर अरिजीत सिंह टॉप सिक्स से आउट भेल छै तेनाहिते नेहा कक्कर जी मतलब इहे अंतिम यात्रा नहीं जी हाँ प्लेटफॉर्म छै एकरा लेल हम लोक स्टार के हम एकदम धन्यवाद दै छी। काल तक रविराज के चिन्ह गीत तो हम काल्हि बॉम्बे में हम संगीत पहिने तो हमर यात्रा एक गाँव के बैंड पार्टी से शुरू भेल सरलाही के अपने सरलाही के चंद्रनगर गाँव पालिका वो तो ये एकटा एंजॉय हमरा गीत गावे में आनंद आवे ऑर्केस्ट्रा में चल जाइए पापा जी नेपाल लोक स्टार में अपने विभिन्न किस्म के ऑडिशन सब पार करित करित टॉप 25 में जे पहुंचलिए त अहाँ के मतलब केहन लागल कि वास्तव में हमर यात्रा कतक तक रहते बड़ा शुरू के एकदम एकदम हम दिल से कहे सोवे के लेके टॉप 6 पहुंचना है बहुत बड़का बात है। शुरुआत में अपने के केह लाल कि हमर यात्रा अत तक कत तक रहते केला कि अपने जरे छे कि मधेसी संघ के विभेद होए या हर एक चीज में मधेसी के पाछा पाड़ल जाय छे ज्ञान होइतो हुए नै विभिन्न किस्म के नॉलेज होइतो हुए मधेसी सब के पछाड़ी पाड़ल जाय छे एहन अवस्था में अहाँ स्ट्रगल के लिए 25 तक पहुँचलिए ओके बाद टॉप 6 में पहुँचबे से एकटा पहले अहाँ के एकटा ज्ञात छल कि हम अत तक पहुँच सकबे तेहन अनुभव छल तेहन कोनो फिलियल छल अहाँके एकदम स्टार्टिंग से कहै छी कोनो भी जैसे हम रियलिटी शो में कैला एलहुँ हमर एकटा सोच रहे कि जहन हम बॉम्बे में रही हमरा रियलिटी शो के बारे में पता भेल तऽ एहिमे ई पता भेलै कि लोक स्टार मतलब लोकगीत पहले हमरा बुझाए दोहरी मात्रे लोकगीत ही लेकिन जहन पता चले कि नेपाल के प्रत्येक भेग में बाजे वाला भाषा लोक संस्कृति वहाँ के लोक भाका लोकगीत ही तो हम सोचलहुँ कि हम मिथिला मधेश के बेटा पहले तो लोकगीत एकटा कठिन मानल जाइ छै एकदम हमर सबके लोकगीत आत्मा छै हमर सबके पहचान छै तो हम सोचलहुँ कि हम मिथिला के बेटा मधेश के बेटा राष्ट्रीय स्तर के एगो प्रोग्राम में हमर सोहर हमर गुदना हमर समदाउन हमर पूर्वी हमर बिरहा
किया नहीं पड़ोसी तो हमर मेन विजन हम फर्स्ट हुए सभी की एक नेशनल लेवल के टेलीविजन में जाके हम अपन कल्चर के रिप्रेजेंट करी वही द्वारा हम लोग स्टार मिली जहां हमार देखो एक डर तो जरूर रहे छी कला के नेपाल के प्रत्येक कोना कप्चा से एक टैलेंट आयल रहे छी आ सबके उद्देश्य कहीं ना कहीं जीतक के हिसाब से अभी हमर पहचान बने वही में लेकिन जब हम विभिन्न चरण पार करित गेलो एकटा हम कहलिए दूटा डर के बात है एकटा तो भेले कि ज्ञान के डर दोसर भेले कि जात के अपन समुदाय के डर ने मतलब हम मधीसी छी नेपाल लोक स्टार में आयल छी अतः तक तो एली आब एक यात्रा आब अगाड़ी बढ़ा में केहन किस्म के बाधा सब आबि सकैए ओना तो बाधा के बाद हम फिर करबे करब केहन किस्म के अपमान अहाँ के महसूस करब पड़ल से बात सब करब अखन लेकिन ऐसे पहले कहे छी कि अहाँ के ओहन एक ज्ञात छल मन में कतौ आयल ई बात कि हमरा एहन किस्म के सामना करब पड़ते हम पहले एकदम क्लियर रहे और क्लियर हम टॉप 25 में नहीं जब हम ऑडिशन दिल वही दिन हम क्लियर रहे कि हमरा साथ की भ सकै छी लेकिन हमर एकटा रहे कि हम जत देर जबे अपन संस्कृति हम अपन भाषा के एक राष्ट्रीय स्तर के मंच में पड़ोसबी लेकिन हम एकदम रहे कि हम अपना आप के जब भी हम विनर मानी छी हम जब भी हम हमरा दिमाग में एकटा चीज आबे कि बाद में कि हमरा हाथ में ताज छी हम जनता के दिल जीतबी एमे हमर एकदम आत्मविश्वास रहे कि हम मंच पर जबे आ बहुत सारा चीज छै जे चीज बहुत सारा विश्वास रहे आबरले आत्मविश्वास अहाँ के होइतो हुए भी अवरोध करे के काज अपमानित करे के काज सब सेहो भेलै जना कि मनोज केसी अहाँ सब माफियो मांगलक ने संपूर्ण मधेसी समुदाय से माफी मांगल के हम एहि विषय में सेहो चर्चा करय चाहै छी कि वास्तव में की ओहन घटना भेल रहे जैसे कि एकटा संपूर्ण मधेसी के मतलब पीड़ा दिए वाला काज भेल रहे ते पर अहाँ अड़िग रहलिए नहि अहाँ सब माफियो मांगल गेलै संपूर्ण मधेसी समुदाय से माफी मांगल गेलै एकटा कर्मचारी टेलीविजन के की बात भेल रहे एक्चुअली गीत जब भी ऊपर से अबे छे फॉर्मेट के हिसाब से हमरा गाबो पड़े छे तो किछ हम पूरा किछ व्यक्ति होई छे हर एक ओहन प्रवृत्ति के व्यक्ति हम कहब जे नहीं चाहे कि एकटा मधेसिया कला के हम तो बागलुओं के लोग गीत गाए दी हमरा पूर्व के अबे पश्चिम के अबे हम कोशिश करी और हमरा एक दिन टाइम रहे छे अहाँ के लिरिक्स मिलत शब्द मिलत ओकर कहियो नहीं सुनल लय ओकरा हम रात भर हमरा बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमरा मेहनत करे के तुलना में और समुदाय के तुलना में अहाँ के बेसी मेहनत करा पड़े ऑब्वियसली हमर परिवेश फरक छे हमरा मैथिली लोकगीत एक बार हम देख लै छी त हमरा याद भ जाइ छी भोजपुरी हम लोकगीत देख लेबै या कोनो गीत त हमरा याद भ जाइ छी कैला कि हमरा उ जेनेटिक छे खून में छे तहिना के ओकरा सब के लोक से जे और प्रतिस्पर्धी रहे ओकरा लेल त इजी रहे सुनले गीत सब है ओकरा गाबे में इजी लेकिन हमरा त शब्द याद करे के कहियो नहीं सुनल धुन लेकिन कंपटीशन में त सब बराबर होय छे एमे त कोनो ही नहीं कि तराई से ही पहाड़ से ही तो हम ऊ चीज जनता बुझलौ कि रविराज सब कुछ गाब सकै छी त सबसे बड़का अदालत जनता के अदालत है छी ना त हमरा कठिन जरूर है सबसे ज्यादा कठिन हमरा शब्द याद करे में अपने हम हमरा बुझाइए कि सबसे ज्यादा शब्द बिसरे वाला भी हम ही लेकिन ओकर लॉजिक शब्द चाहिए टोन के बात भ सके टोन में एक चीज नहीं टोन में हमरा जज से लेके सब हमरा बाजी से नेपाली तो बल्कि हमर अब टोन मतलब की हम अधिसे से हमर ऑब्वियसली हमर तो टोन ही बेकार ऐबे करती है सुंदरता से देखल गेले नेपाल के हम सब अनुभव केने छी मतलब एकटा की छे मानसिकता कि मधेसी के जे टोन छे नै जना कि और समुदाय एकटा शिव कहलक नै शिव मधेसी शिव कहे जी नै त टोन भेले ने एकटा लेकिन जखन बात होइ छै नेपाली बाजा के तखन ई चीज सब बहुत ध्यान दै छै ने ओ सब कहलक एना बाजी पड़त एकटा चीज हम अपने के कहै छी लिपि देवनागरी है जी और हम नेपाल में नेपाली भाषा पढ़ने छै हमरा लगै छै यदि ई देश में सबसे शुद्ध उच्चारण करै छै तो ओ मधेसी है कहलक कि पढ़ के उच्चारण करै छै ग्रामेटिकल भी हम कहै छी नेपाली सबसे शुद्ध ई देश में नेपाली बजै छै मधेसी बजै छै कहलक लॉजिक छै कि हम सब पढ़ने छी ग्रामेटिकल नेपाली सीखने छी लेकिन एगो सिंगर के सबसे ज्यादा शुद्धता पर ध्यान देबे पड़ै छै भाषा के तो हमरा लगे कि हर सिंगर के सिर्फ आवाज आवाज तो रियाज चाहिए लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन से जो भाषा के उच्चारण हो शुद्ध करवा के कोशिश करना चाहिए मतलब आई पर जज के वहन कमेंट आइए ना हमरा तो ये कहे कि बोलदा बरू रवि को आउ छ गाँव में तो फिटिक के आउ देना आ यूट्यूब के नीचे कमेंट भी करे लोग हमरा गर्व लगे कि हम अपना आप के ढाल लो एक चीज हम जब भी हमारे मान्यता है कि नेपाली में कहे छी पन रमन कोनो भी गीत गाबी छी तो उपन में ढल जाऊ और मन ओछाम कर हां यदि हम पहाड़ के लोग जो प्रसंग निकाले रहे मनोज केसी वाला वास्तव में की रहे जी कि मनोज केसी जी पर्सनली वो एपी1 टेलीविजन के तरफ से लोक स्टार में कॉपीराइट के मामला देखे
तो कोनो गीत जैसे मैथिली गीत गाबी तो डिटेल की छै केना छै कॉपीराइट बाकी समस्या नहीं आबे करके वो डिटेलिंग करे तो उनका एक धर्म रहे कि कौन गीत केना छै तो एक गीत रहे उदित नारायण झा के कैले कहीं मन का कूड़ा तो एक राउंड रहे जैसे कहने रहे कि अहाँ जो टिपिकल राउंड के गला के बाद कि अहाँ ए राउंड में अपना मन से भी गाबि सके छी उनका सबके भी कहल जाय छै तहन उ बजै छै अपना मन से नहीं बात सके छै हमरा सबके गीत मिली छै तो उससे पहले बैंड के साथ प्रैक्टिस होइ छै ओकरा बाद पूरा ओकर डायरेक्टर ऊपर से जे एक एकटा वर्ड भी सब प्लानिंग रहै छै तब हमहु अचम पड़ गेली जे क्वेश्चन करै छी सबसे पहले तो गीत गाब से पहले ऑलरेडी हमरा गीत मिल गेल रहे म्यूजिशियन के साथ प्रैक्टिस कर लेने रही बाद जे मनोज केसी जे छथुन पता नहीं पर्सनल उनका हमरा से की रहे ईश्वर जाने हम विषय में परिवेश भी नहीं करब लेकिन सबके सामने एक हमरा अपशब्द प्रयोग कैलक इतने नहीं हमर समुदाय के लेके भी बाद में माफी मांगलक और हमरा कहीं ना कहीं ओकर ऑडियो हम रिकॉर्ड कर लेली हमारा आदमी रहे कि हमरा साथ बार बार वो मेंटल टॉर्चर दे ना कहना ही तो कि इत गायकी से एक चीज के मेंटल प्रेशर दे भाई मेंटल प्रेशर दे भाई तो एक मिस्टेक हेत पब्लिक में फीडबैक नहीं निक जाते तो बहुत सारा साम दाम दंड भेद प्रयोग कैल गेली किस व्यक्ति के द्वारा लेकिन किस व्यक्ति ने किस मतलब लोक स्टार हमरा इतने प्रेम कैलक हम अ जन्म में आज रविराज के पहचान आज बनल छी तो लोक स्टार के देन छी एक तो वो घटना रहे ते माही माल के केसर अफा दफा हले एकटा और जे जज के विषय में अहाँ एक गीत गोलिए दर्पण छाया वो गीत जबकि एंकर सूर्य में कह दिल्क कि प्रतिस्पर्धी के च्वाइस अनुसार जे गीत गाबि सकैए नहीं कोई जरूरी नहीं लोके गीत गाबे पड़ते जरूरी नहीं रामजी खान जे जज रहे तो वहीजा आलोचना भेलै कि मन लागे गीत गाओ नहीं तेहन किस्म के अपने वहीजा रोदन अहाँ कानू लगली हुई जेहन किस्म के एक अवस्था देखल गए एहन किस्म के अपमानित हुई कैल गए ओहिपर बहुत किस्म के आक्रोशी हो गए कि जज के हटाओल जाए से बात सब ने वास्तव में जबकि फॉर्मेट रहे लोक स्टार के ठीक है लेकिन वही एपिसोड में अपना मन से कोनो गीत गाबि सके से कहल गेल छै जी 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 अहाँ तो अपने मन से बोलिए जी तैयो एहन किस्म के आलोचना जज सक भेले की कहबै हम ही कहब ओ किया कहलन हमरा अभी तक भी विश्वास नहीं है लेकिन एकटा चीज अपने कहू हमरा लेल त सम्मानित जज छथुन यदि उनका हमरा प्रति विरोध करे के रहती त हमरा टॉप 25 कथी एकटा त उनका लड़ाई छै और वह जज छथुन जे मैथिली गोदना गीत गाबली त कुर्सी पर उठ के ताली बजल की जी हम ए विषय पर हम किछ नहीं कहला चाहब जे कलम हमरा हक में निक भेली जनता के सामने किया कि सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत है जी चाहे जज हो चाहे कंटेस्टेंट हो चाहे एनी फील्ड एनीवेयर जनता सब चीज कला कि जहने के तहने परोसल गेली ओकर बाद जनता के प्रतिक्रिया आली लेकिन हमरा भावुक भ गेली अइ दुआरे कि हम एकटा कलाकार छी हम ई सोचिए व्यक्तिगत रूप में रामजी खान हमरा दुख अइ दुआरे लागल रहे पहिले जे ओइ दिन तक एकटा घटना ते भेले लेकिन वही सब पहले या उसके बाद अहाँ जोड़े कोनो व्यक्तिगत जना अपने कहलिए मनोज जी जोड़े व्यक्तिगत एक किछ वो चाहै छलै कि नहीं आवे आगा नहीं बढ़े तेहन किस्म के कोनो जजो एक ओहन किस्म के मानसिकता रखने हुए तेहन अनुभव केने छलै ओहिसे पहले एक चीज हम कहै छी जज और कंटेस्टेंट के भेंट सिर्फ वही टेलीविजन के सेट पर होइ छै जी यदि पर्सनल बातचीत भी अपने के वही लेवल पर नमस्ते हाय हेलो मतरे जज से होइ छै कंटेस्टेंट गेलो हम गेलो वही दिन हुनकर व्यवहार से तो किछ लागल ना कि मन में कुछ हम अब कोन मूड में रहलन सर है ना कहियो काल इंसान के लेकिन हमरा दुख अइ द्वारे लागल हम एकदम प्रश्न कहै छी हम कि रविराज फॉर्मेट के हमरा कहला कि छिन भावुक भ गेली किया कि हमरा लेल मुश्किल रहे कि एकटा मधेसी समुदाय के आदमी आके अहाँ के लोकगीत गाइब रहले हमरा कॉपरेट करे के चाहिए लेकिन हमरा बार बार मेंटल टॉर्चर देल जाइए हम ए चीज से बहुत हम आहत ऐसे पहिने से भी रही कि इस देश में शायद रियलिटी शो में वही द्वारे मधेसी समुदाय के क्यों नहीं जाई छी लेकिन जे लोक स्टार के जैसे प्रोड्यूसर छथिन भरत बहादुर बचनेत सहदेव कोइराला सर हमरा बहुत ज्यादा कोऑपरेट करे कि रवि यो कंपटीशन हो तिमलाई धेरै खालका मान्छे हुन्छ कि रविलाई मेन्टल टर्छ तर तिमी स्ट्रङ बन तिमी धेरै लामो दूरीको घोडा छौ हमरा एहन टाइप के मोटिवेशन दे तो ओहो चीज के हमरा बिसरा नहीं पड़ती आई रामजी सर के हम बहुत रिस्पेक्ट करे छी एकदम उनकर हमर नाम के
सिमिलरली आर से सर भी मुस्कुराइत रहै छथुन हमरो ऑलवेज मुस्कुराए के एकटा कहियो लेकिन ओहि दिन हमरा दुख लागल एहि दुआरे कि हमरा बाद एकटा कंटेस्टेंट रहली गाबले ओहो तो आधुनिक गीत रहे तो उनको कमेंट उनका करना चाहिए ताहि दुआरे हमरा एते दुखी भेली कि हम कहली कि गावक रहे एकटा आत्मसम्मान चाहिए मानसिकता तो देखल गेलै ने हाँ, लेकिन उनका भाषा छै कि बाहरी रूप में केकरो प्रशंसा करी बाहरी रूप में मतलब हाय हाय करी ने एकटा अलग बात छै लेकिन एकटा मानसिकता तो कतौ ने कतौ देखल गेलै कि मधेसी प्रति एहन किस्म के सोच जे कि और जोड़े ओहन किस्म के व्यवहार नहीं कयल गेलै अहाँ जोड़े कयल गेलै ओ निर्णय तो जनता के हाथ में छै सब जनता देख रहल छै एहिमे हमर टिप्पणी उचित नहीं छै एकटा संगीत एहन विद्या है विधा छै जिसमें अपना के जे संगीतकार जे गायक अपन से सीनियर के रिस्पेक्ट करे ला नहीं जानले हमरा लगे कि सबसे ज्यादा चरित्र और अनुशासन संगीत में होई छी त हम इत किच नहीं खराब अनुभव रहल लेकिन हां खराब अनुभव रहल लेकिन एकरा प्रति हमर कोनो प्रकार के आग्रह पूर्वाग्रह हमरा मन में नहीं छी अखन ब्रेक ल रहल छी दर्शक वृंद अखन ब्रेक ब्रेक के बाद फिर गायक रवि राज शाह संग के बातचीत के क्रम जारी रहत ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में आ स्टूडियो में छथि गायक रविराज साह रवि जी लोक स्टार के यात्रा बहुत आगा तक अहाँ के लिए दुर्भाग्यवश किछ समस्या रहले वोट नहीं पहुँचल कारण से ओतिक वोट नहीं अलग कारण से अपने के बाहर हो पड़ल यद्यपि सबके मधेसी के मन में संपूर्ण नेपाली के मन में अहाँ बास करै छी कि एकटा मधेसी गायक अत तक पहुँच सफल भेल छै अपने के यात्रा आब के दिन में और निक रहबे करते ई जे फॉर्मेट के बात करै छलिए एकटा त फॉर्मेट सिलेक्शन के बात भ सकै छै ते के बाद जे वोटिंग के बात भ सकै छलै से केना के जज करी से बात भ सकै छै ने त ई यावत बात सब छै जखन गीत सिलेक्शन के बात होय छलै अहाँ त मधेसी जेना पहिलो कहबे के लिए कि मधेस के मिथिला के माटि पैन से सरलाही से अपने ओत तक पहुँचलिए बम्बई में अहाँ ट्रेनिंग लेलिए गायक के ट्रेनिंग ले ली नहीं सिंगिंग ट्रेनिंग ले ली ताहि के बाद अपना के अपना में निखारता लो लिए आगा पहुँच ले ली अप्लाई के लिए आगा बढ़ लिए लेकिन जखन गीत सिलेक्शन के बात होइ छै नेपाल लोक स्टार लोकगीत बहुत कठिन मानल जाइ छै और गीत सबके तुलना में चाहे नेपाली हो या मैथिली हो या कोनो भी भाषा के हो बहुत कठिन मानल जाइ छै अइ में अहाँ अत तक पहुँचलिए इस सिलेक्शन के बाद जे होइ छलै शुरू से हमरा कहि देल जाए सिलेक्शन नेपाली नेपाल लोक स्टार कहल गेल छलै ओहिजा नेपाली भाषा लोक स्टार नहीं कहल गया छलै नेपाल लोक स्टार जाहिमे सब भाषा समटा के चाहिए वास्तव में ओहन किस्म के व्यवहार ओहिजा भेलै कि नहीं भेलै सिलेक्शन में कत कत समस्या रहल देखो गीत सिलेक्शन में पता नहीं ये हमरे साथ किया होए लेकिन जब भी एकटा गीत रही चरी मरियो शिशे को गोली ले जब जैसे काल प्रैक्टिस से आई कहे कि गीत में विवाद चल अली अब जो एक तो हमार भाषा नया हमरा पूरा लिरिक्स याद कर के हमार पूरा लिरिक्स याद कर के अकाल शूटिंग से आई कहीं लिरिक्स चेंज भय हमार परफॉर्मेंस बिगड़ती कि ना ओकर बाद हमरा जेना लागे कि हम हमारे एकटा कोशिश रही हम अपन भाषा के संस्कृति के सम्मान करी छी एकर मतलब हम दूसर के अपमान नहीं करी हम बागलूम के भी ओतबे सम्मान करी हम ई हमर सबके मिथिला के मधेस के संस्कार छै और उस संस्कार हम देखलहुँ राष्ट्रीय स्तर के एक टेलीविजन शो में हमरा बागलों के लोकगीत अभी वह गाब दी आधुनिक गीत अभी फिल्मी राम में वह गेलहुँ लेकिन ई चीज जनता जज करते समस्या तो गेलिए लेकिन एहिमे दबाव कते सृजना कयल गेलै कि भ सकै छै जेना अपने कहबे के लिए कि अगर ओ जे मैथिली रहती भोजपुरी रहती अवधि रहती या थारू भाषा गीत जतेक हमरा गावत दिए के चाही ओतेक नहि गावत देल गेलै तेहन अनुभव नहि नहि ई चीज की छै एकटा राष्ट्रीय स्तर के जब चुन अहाँ जाइ छी हम ऑडिशन में ही हमरा भोजपुरी गीत से हम शुरुआत कैली दौरा सुरवाल लगा के भोजपुरी एकटा मैसेज हम देबे के कोशिश कैली कि मधेसी के पूरा जीवन बीत जाइ छी राष्ट्रीयता कई देश में परिचय देबे लागी और हम हमर एकटा कोशिश की रहे एकटा आर्टिस्ट के भी एकटा धर्म होइ छी राष्ट्र के प्रति तो कला के मार्फत से कहीं ना कहीं मधेस के पहाड़ के जे दूरी छै ना हमर कोशिश रहे कि हम कला से हम जोड़ी और एक कला कभी भी जोड़े के काम करे एक नेचर ही जोड़े के है तोड़े के नहीं और हम जे गुरु जी से संस्कार पेलो कभी भी मन से मन के जोड़े के काम सिर्फ संगीत करी छे तो हमारे कोशिश यह रहा लेकिन कही छी ना जे पेड़ में फल रहे वही पर ढेला चले छे तो हमरा जब भी किछ व्यक्ति जे हमरा बहुत प्रशंसा करे वही टीम में भी वो हमरा एकटा चीज जब भी हम डिमोटिवेट होई तो हमरा कही रवि जोन वृक्ष में फल हुन्छ तही प्रहार हुन्छ
त्यही तिमी स्ट्रङ र सचमे देखियो आज आज जनता पुरा नेपाल से हमरा गुलमी कहियो बाजरा बाजुरा में जइयो ओहूठाम रविराज के चिन्हे वाला भेटती तो एक टा मिथिला के लागि मधेश के लागि हमर गर्व हमरा जते गर्व लगैए वैसे ज्यादा हमरा लगे कि हम जब भी की सोची कि हम मधेश मिथिला के 50 लाख नहीं करोड़ों के हम लीड कर रहल छी यदि हमर किछु गलत परफॉर्मेंस होइ छै लेकिन ओहिठाम हमरा साथ लिरिक्स में जब ई चीज कह देबे तो हमरा बहुत तकलीफ होय अंदर से कि हम आपने कने लिरिक्स परिवर्तन कयल गेलै नहीं तो यहाँ किसी के घटना कैटे भले अपने संग बार बार हमारे साथ हुई अब की कहो एक टा की हुई जी आप बार बार हम खाली मैथिली भोजपुरी गीत गावा नहीं गेल छी ना हम दिन राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में गेल छी इसलिए हमारा कोनो खेद नहीं जी हमारा एक टा फॉर्मेट कार्यक्रम के फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ती कॉम्पिटिशन से सबके बराबर लेकिन नहीं तो राष्ट्रीय के जो परिभाषा नेपाली राष्ट्रीय गीत भऽ सकै छै नेपाली लोकगीत गाँववला या जे गीत छै नेपाली तऽ ओ राष्ट्रीय छै मैथिली किया नहि भऽ सकै छै भोजपुरी किया नहि कॉन्स्टिट्यूशन में मैथिली भी राष्ट्रीय भाषा छै और ई देश के सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज मैथिली और थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज हमरा कह के मतलब ई छै कि अहाँ के ई मन में कतौ ने कतौ ई लगैए कि हमरा अपन इच्छा के जे हमरा सहज होइ छै मैथिली भोजपुरी अवधि थारू एहि में हमरा गावा दिए के चाहिए शुरू सं तक देखो तब हम नेपाल लोक स्टार बनतिए कतौ ने कतौ अहो कारण से हम पाछा पड़ गेली कि तेहन कतौ नहीं 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 एहि मामला में तो जैसे जितना हमरा गावा दिलके एहि मामला में हमरा कमेंट करे के एकटा फॉर्मेट एकटा लोक स्टार के प्रतियोगी के नाते हमरा ओ फॉर्मेट के हिसाब से चलऽ पड़तै लेकिन हमरा एक चीज जरूर लागल है जे चीज हम अहाँके कहबऽ चाहै छी मतलब पूर्वेली राउंड काठ क्षेत्र मतलब काठमांडू एरिया पश्चिम देवड़ा राउंड सब राउंड होने देश को सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज थर्ड भोजपुरा राउंड ना होने ना भाई को अरु कंटेस्टेंट ने पनि त गाउनु पर्यो नि हाम्रो मैथिली भाषा को म के चाहन्छु भने हिजो मेरो राष्ट्र राजविराजमा सम्मान कार्यक्रम थियो मैले त्यहाँ गोलबन्दी बागलुङको गोलबन्दी गाए त्यहाँ त्यहाँ कुनै पहाडी समुदायको मान्छे थिएन टोटली प्योर मिथिलावासी हुनुहुन्थ्यो मैले त्यहाँ गएर देउडा गाए जुन दिन बाजुरा र यो गीत बागलुङको छ नि बागलुङमा गएर जुन दिन मैथिली हाम्रो सोहर गाउँछ नि त्यो दिन बुझ्छु कि साँच्चै यो देशमा राष्ट्रिय एकता भएको छ वहे त कहि रहल छी अहाँ जेना अपने कहबैके लिए कि पूर्वेली गीत नै काठमाडौँ गीत चाहिँ हाम्रो दुख रहे हमरो लागे भोजपुरी गीत किया नै उरा किया नै चल किया नै हमर सब कंटेस्टेंट सोहर गाप्ती त हमरा सबसे ज्यादा खुशी लागती कला कि हम बेटा छी मीठा बनके हमरा ई चीज लेकिन ई चीज हमरा अधिकार से बाहर नेपाली तर के भाषा जे जने छै नेपाली तर के भाषा जे छै मैथिली भाषा में और समुदाय के गीत गाव किया नै लगाउल और कंटेस्टेंट के और किया नै ओहे हम लोक स्टार से ई नै छै लेकिन ई चीज जनता जनता हम यूट्यूब के नीचे हम कमेंट देखने रही कि रविराज जनता के गायक भेली बहुत टैलेंट सब रहे हम इमे एहन एहन सिंगर छै ओकरा में कैपेसिटी छै गाइब सके छै लेकिन रिस्क किया नहीं लेलक हमरा एकटा चीज बहुत खुशी लागल रहे जब हम छठ के लास्ट दिन एलिमिनेट भेलौ छठी मैया के कृपा कि वो दिन हम छठ के बहुत अस्वस्थ रहली एकटा फिल्म के नजारा जना सोचियो कि बैकग्राउंड में हमर खोक अभी भी हमर अस्वस्थता छै पूरा अस्वस्थ भ गेली मेंटली रूप से एकदम टेंशन में छी और फीवर से नॉर्विक में हमर भरना रही काल गावक के कला के कंपटीशन बैकग्राउंड में हम एकदम खोख रहल छी आ जाके हमरा छठ के गीत लेकिन छठी मैया के कृपा कहीं ना कहीं उ आवाज में कनी मनी खड़ास आयल हेते लेकिन हम एको बार नहीं खोखली हमरा ओ दिन हम साक्षात हम की कहू कि छठ लास्ट में हमरा ई रहे कि हम कहिया तक छी किरण किरण भान भ गेल अंदर से अच्छा एकटा ई अपने निकाले लेली बात इहो बात कनी पूछ लै छी जना अपने कहली कि हमर मन खराब रहे नहीं तो ये हमारा गीत गाव पड़े तो वही में किस ओहन किस्म के क्राइटेरिया सब छले कि नहीं छले नेपाल लोक स्टार में जब मतलब 5-7 जना छी अहाँ कलाकार सब नहीं अहाँ के काल्हि मतलब गीत गाब के छे अहाँ के मतलब अचानक बुखार लगेल या किछो भेलै जना कि भारत के रियलिटी शो सब में जना छूट देल जाइ छै ने ई कारण से नहीं आ सकलै ओ बीमार बिल्कुल बिल्कुल ओहन किस्म के नेपाल में जे रियलिटी शो भेलै चलिए रहा है तो अमे किस ओहन किसी के प्रावधान सब अहाँ नहीं गाब सके छी लेकिन घाटा हमरा छे ना मतलब अहाँ के वही राउंड में पहुँचल नहीं देते से कह रहा छी वोटिंग हेतै लेकिन हमरा पब्लिक देखती तहन ना मान लो तो फॉर्मेट छै एकटा कॉम्पिटिशन छै मान लो अहाँ रेस में दौड़ रहा छी अहाँ के पैर टूट गेल तो दोसर कंटेस्टेंट के लागि तो हम तो एगो सीट खाली भऽ गेली रेस में दौड़ रहा छी अहाँ रेस में नहीं दौड़बै तो बाकी ओकरा सबके लागि तो कथी कहू सुन में सुहागा भऽ गेली ओ तो ईश्वर के छै शरीर छै बॉडी छै लेकिन लोक स्टार के तरफ से हमरा कहलकै एहि मामला में कोनो कॉम्प्रोमाइज ना
नॉर्विक में बुखार लगले त मतलब कार्यक्रम के जे निरंतरता छै से त हेबे करतै अहाँ के नाम पर वोट से मांगल जेतै नै अरेस्ट क सकै छी अरेस्ट क सकै छी हमरा जे दिन परफॉर्मेंस नै क सकै छी सिसी अंत अंत नै नै अहाँ के मर्जी परफॉर्मेंस करू अहाँ एतेक बार अस्वस्थ पूरा भऽ जेतै त ओ त गाभी नै सकै लेकिन हमरा से पूछल गेली हम कहली नो आई कैन म रेडी छु म किन न गाउने म गाउने म हैन लेकिन गेलहुँ अब अस्वस्थता रहै कनी है कि ना अब ओ त अचानक आबय वाला चीज छै प्राकृतिक चीज छै लेकिन अंत में हम ई कहब कि लोक स्टार के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी ए पहिरन के बात कयल जाय जी पहिरन जे जेना के नेपाली ढाका टोपी सब लगा कऽ नै सेहो अपने गीत गुली कैटा तऽ एहन किस्म के कोनो दबाव छलै कि अपने एकटा जेना अपने कहबै कि एकटा नेपाल नेपाली सब के एकटा एकताबद्ध करी एकटा सद्भाव एकटा सृजना करी संगीत माध्यम सँ नै तऽ से एकटा अपने सोच छल तऽ अहाँ अपने च्वाइस सँ अपने स्वविवेक सँ नेपाली पहिरन मतलब नेपाली भाषी सबके जे पहिरन जे छै ओ पहिरन लगौली देखो सबसे पहले हमरा सबके हेयर डिजाइनर से लेके लगवाई पड़ते नै ओ सब फॉर्मेट के दबाव एकरा नै को फॉर्मेट कहियो शब्द दबाव मतलब भोजपुरी मैथिली गीत भए पनि ढाका टोपी रो लाएर के रे गीत गाउनु पर्छ तेन किसिम नै नै ओ देखियो की छै ई देश मे एकटा भोजपुरी ढाका टोपी लगा के गेलौ तै हमरा लेल प्लस पॉइंट भेले कि हम उम्र सम्मान केलौ ई हमर संस्कृति मतलब फॉर्मेट भी तोकल रहे नै नै हां मैं तोकल नै कहियो काल पूछल स्वेच्छा से लगोलिए ढाका टोपी की मतलब फॉर्मेट मे रहै छै नै नै फॉर्मेट मे की छै कि अहाँ के जैसे मैथिली गीत गाबै छी त अहाँ से पूछल जाय छै ड्रेस डिजाइनर होय छै कि इसको डिटेल्स हां कि इसको की हो है ना ओकरा सबके भी अध्ययन रहै छै लेकिन अहाँ से भी पूछल जाय छै नै त ओकरा बाद अहाँ के फ्रीडम है आ ओ त सो इतना बड़का छै जे अहाँ जे कल्चर के गीत गाबै छी ओ चाहै छै कि पूरा कल्चर के कलर आबे एहन दबाव दबाव वाला बात किछु नै रहै कि अहाँ के इहे ड्रेस लग ओ त फॉर्मेट छै ओ ड्रेस आयोजक नै सबके एकटा जिम्मेदारी देल देल रहै छै म्यूजिक बैंड के एकटा जिम्मेदारी छै सलाह देल गेलै कि ई लगाओ से कहि कऽ सलाह हमरा से पूछे के जरूरी नहीं छी ना हम लोक स्टार के संपत्ति छी लोक स्टार वर्सेटाइल सिंगर खोजे छी ना काल जाके खाली लोके गीत गाबते तो एडजस्ट नहीं होती एकटा वर्सेटाइल सिंगर खोजे छी रविराज प्रूफ कल के हमरा ई प्रूफ कय करे कि हम हर जगह के छी हम सब के छी हम मिथिला के बेटा छी सरलाही के ई हमर पहचान तो हमर ओहने छै फेस से करिया फेस देखे मधेसिया बुझल हमरा ई मधेसिया इहो कर सकै छी बालन के गीत गा सके स्थापित के लिए जी ई चीज हां आबो वाला जे भी हमर पीढ़ी छै अहां के अपन संस्कृति के प्रेम करू हमर त एकटा मिशन रहै कि हम धोती लगा के हमरा कहला कै कि अलिकति तू है ना ड्रेस डिजाइनर अलिकति स्टाइलिश है ना मैंने है ना मलाई पियर धोती नहीं चाहिए छै एकटा घटना हम कहै छी एकटा घटना की रहै कि जे ऑडियंस सब देखल गेल रहै किछ मदेशी समुदाय के ओ सब कहलक है ना मैथिली भोजपुरी दिनु पर्छ त किछ व्यक्ति सब कहलियो धोती सो हो ओ चीज हम सुन लेली अच्छा किछ व्यक्ति हम ई संस्थापन सार्वजनिक रूप से ई चीज सुनली हमरा मन में घड़ल हम नेक्स्ट गीत गाबली हम सोच लेली कि हम प्योर धोती लगा के गीत गाबली और राष्ट्रीय स्तर के मंच पे हम प्योर धोती लगा के गीत गाबली धोती गर्व से कहै छी हम धोती छी धोती जी पवित्र वस्त्र छी कि एकटा सद्भाव मधेसी पहाड़ी बीच के जे एकटा खदिया जगह छै एकटा माहौल तेहन किस्म के तो देखल जाय छै तो वास्तव में मानसिकता परिवर्तन करय में अहाँ के किछ योगदान रहलै से अनुभव कर रहल छियै नम्बर कोशिश रहले ओकर आउटपुट एलै अहाँ के हम कहै छी कि कला एहन चीज छै ना जेकर कोनो सीमा नहि होइ छै एकटा गीत हमरा बड़ नीक लागे ओ हिंदी में छै कि पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके सरहद इंसान के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके इंसान पंछी पंछी के नदी के कोनो सीमा नहीं छी कला के कोनो सीमा नहीं छी हम एकटा कलाकार छी और हम कभी भी बहुत दर्द होइ छै बहुत डिस्क्रिमिनेशन ओ हर जगह है एवरीवेयर अहाँ के मधेसो में छै तो कहीं ना कहीं अइबो छै
अपर कास्ट लोअर कास्ट कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के उस वो हर जगह है चीज हम एक कलाकार उ चीज के अहा कोना के सुधार कर सके पक्ष में सोचवा के चाहे हर युवा के कोनो फील्ड में छी यार इंजीनियर युवा डॉक्टर एनी प्रोफेशन लेकिन अहा के योगदान राष्ट्र निर्माण में की भ सके छी अहा के प्रोफेशन से हमें देश के नागरिक छी और हमरा नेपाली हुए में गर्व है ई देश के नागरिक छी और गर्व से कहे छी केकरो कहला से तू नेपाली नहीं छै ने हमरा वंशज के आधार में नागरिकता हमर जन्म एटा मन भेल है केकरो से पूछे वाला बात थोड़िए छी लेकिन हमरा प्रूफ करे के हमरा समुदाय के कि मधेसी मिथिला के बेटा कुछो कर सके छी कुछो गाइब सके छी अबरो सबके हटबैत आगा बढ़ पड़ले बढ़ पड़ले अब अंतन दिशियो चल रहल छी अहाँ के यात्रा में जेहन किस्म के सहयोग राजनीति क्षेत्र से एक आलोचना से राजनीतिक नेता सब पर एक टिप्पणी सब से आबि रहा है कि जतेक सहयोग अहाँ के राजनीति क्षेत्र से या प्रदेश दू सरकार से होवे के चाही कैला कि अहाँ तो मधेश के लिए मिथिला के लिए भोजपुरा के लिए अवध के लिए लड़लिए ने संगीत के माध्यम से नहीं तो ओहन किस्म के राजनीति क्षेत्र से सहयोग सद्भाव कही या वोटिंग के अवस्था जखन रहे तखन अहाँ के जिताब के बात रहे तखन सरकार लाग जितिए या एहन किसी के मतलब कुछ ओहन किसी माहौल सृजना कऽ सकै छलै ने प्रचार प्रसार करवा सकै छलै नेता सब कऽ सकै छलै मधेसी नेता सब कऽ सकै छलै ने तो ओ कास में कतौ ने कतौ त्रुटि रहलै ओ सब नहि केलकै से एकटा उपराग आम मधेसी समुदाय से सेहो अबै छै की कहबै अहाँ की कतौ से आबै छै ओ चीज हम सोचबो नहि करै छी जी लेकिन एकटा जे अहाँ शब्द कहली कि अहाँ लड़ैत रही नहि हमर कर्तव्य छै हमर संस्कृति हम जै परिवेश में हम जन्म भेली तो हमर कर्तव्य छै एकरा हम लड़ल नहीं कहे छी ये हमर कर्तव्य हम मानी छी और जहाँ तक राजनीतिक दल के बात भेले तो बिना सहयोग के तो टॉप सिक्स तक हम नहीं अयली सबके सहयोग तो भेटले अब और भेटते हम एक शब्द कहब कि प्रैक्टिस नहीं रहे ना एहन रियलिटी शो के नेपाल के इतिहास में हमारा एक चीज जज अपने सुनने हो कि रोमांटिक किंग उदित नारायण तो रोमांटिक प्रिंस रविराज वह जज कहने रहे तो हमरा एहन उपमा उदित नारायण जे और हमरा उदित जी बधाई भी देलन जे जिनका हम आइडल भी मानी छी बहुत रेस्पेक्ट करी छी नहीं हम उनकर आइडल एहि दुआरे मानी छी कि एकटा भारदह के आदमी तो इस समान में कते स्ट्रगल रहल होती और इससे ज्यादा भेदभाव रहल होती तो हम भेदभाव के चिड़ते हुए जब वहां वही ठामन पहुंच सके छै त आइ त बहुत अवस्था अवस्था त आज सहज छै आइ त गर्व के साथ धोती लगा सके छी त हम ई अवरोध वेदा व्यवधान अर्जुन के जब भी वो अपन टारगेट पर निशाना रहे त हम जब भी अपन टारगेट से रहनी छी ई बाधा व्यवधान इस प्राकृतिक छै जी अब अंतन देशियो चलल छी आब की यात्रा जना अपने मुंबई में सब पढ़ने छै जे संगीत विधान है आपकी यात्रा सब की छै आपकी करल सोचने छै देखियो हमरा में बहुत अभी कमी कमजोरी छै गायकी में हमर सबसे पहिने एकरा सुधार करैत और सीखू सबसे पहिने हम अपन और निखार लाऊ और हमर एकटा सोच छै कि हमर सबके पहचान कोनो भी समुदाय के पहचान ओकर भाषा संस्कृति पर यदि गुलाम बना लियो तो यू आर नथिंग तो हम सबसे पहिने आज के युवा सबसे हम एकटा युवा छी ई देश के तो सबसे पहल रहत कि हम अपन भाषा संस्कृति जे हमर लोकगीत सब है ओकरा हम इंटरनेशनल मंच पर किया नहीं हम गोदना जाके गिटार हाथ में लियो लंदन में वेम्बली में हम परफॉर्म करू गोरे के साथ हमर सोच वहां तक छे से होने जरूरी छे तो हमर ई सोच रहत कि आबे वाला श्रोता हमरा यहां तक एकटा नेपाल लोक स्टार एकटा हमरा प्लेटफार्म देल कि लोक के चिन्ह के लेकिन असली असली कहियो हमर आब शुरू भेल अब हम ही चाहब कि हमरे टा नहीं हमरा जैसन हजार रविराज छे मधेश में हम और सरकार हाँ अब हम एक्सपेक्ट जरूर रखे छी लोकल गवर्नमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रत्येक जिला में जेना आई बच्चा सबके एक मानसिकता है ना सब पहले थप्पा लगा दी छी डॉक्टर बनते ओकर बाद इंजीनियर है नहीं किछु त कॉमर्स पढ़ के बैंक के मैनेजर जरूर बने बेटा काल एहन अवस्था बना दियो कि अहाँ के क्षेत्र के पहचान एक खिलाड़ी खेल के माध्यम से संगीत के माध्यम से कर सके छी तो प्रत्येक जिला में कम से कम एक म्यूजिक स्कूल होबा के चाहिए क्या कोनो भी फील्ड के अहाँ प्रोफेशनल यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट देन ओकर व्याकरण ओकर ग्रामर सीखल जरूरी छै अहाँ के एक्सपर्ट बन के लागे संगीत वो गा के भैंस पर चरा के आई यहाँ वर्ल्ड लेवल के म्यूजिक मुंबई जाके अवस्था नहीं रह पड़े काठमांडू जाके अवस्था नहीं रह पड़े जी जी एकदम म्यूजिक खर्चा छै ना मुंबई हम एक किसान के बेटा आज भी हमर पापा सऊदी अरेबिया में एज अ काम करै छथुन एज अ लेबर हमर भाई के इंजीनियरिंग कराबे के लागे बैंगलोर से इंजीनियरिंग कलकै हमर इंटरेस्ट रहै म्यूजिक में म्यूजिक हम पढ़लौ लेकिन हम सब एगो साधारण दू चार बीघा वाला के बेटा मुंबई में तो खर्चा छै ना हम सिर्फ म्यूजिक के नहीं कहे छी आई हमर भाई बैंगलोर या काठमांडू जाए छै अपने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज रहते
माँ के हाथ के भात खा के नहीं चाहते। प्रदेश सरकार एकटा प्लेटफार्म सबसे पहिल काज हम कहे छी करके लागी हमरा बुझाइए रोड हमरा नहीं चाही लेकिन एक्सपोर्ट तैयार करू हर फील्ड में। हम ही नहीं कहे खाली म्यूजिक में इन्वेस्ट करू, एक टॉप लेवल के साइंटिस्ट भी तैयार होते म्यूजिक भी कि अहाँ के एक फिल्म इंडस्ट्री एक बार किया नहीं हो फिल्म सिटी किया नहीं हो अत तक पहुँचाव में जना अपने कहते आयल तखन से कि बहुत योगदान रहले आम नेपाली जनता के मधेसी सहित आम नेपाली जनता जी, के जैसे भोट दल के अहाँ के अत तक पहुँचाव में हुनका सबके की कहबे यहाँ कहब कि हमरा हिमाल पहाड़ तराई भेग न छुट्याई हम एक चीज कहने रही भोट मंगनी रही हिमाल पहाड़ तराई भेग न छुट्याई ये रविराजलाई माया कर दिनु भएको छ सधैं यसै गरी माया कर दिनु होला एहने हमरा प्रेम क देव हमरा में बहुत त्रुटि छै मधेश में एक से एक सीनियर आर्टिस्ट सब छै उनका सबके आशीर्वाद हमरा चाही और हमरा कतौ मंच चाही अब हमरा बजाओ तखन हमरा में निखार हेतै आगे के हमरा सांगीतिक यात्रा के लागि हमरा आशीर्वाद दियो अपने के घर के बच्चा छी ताकि हम मिथिला मधेश के जे लोकगीत नै फिल्म होए पॉप होए हम एकटा वर्सटाइल सिंगर भ के हम अपन मिथिला के नाम अपन मधेश के नाम और नेपाल के नाम हम विश्व में चिन्हाई से हमर एकटा इच्छा है। ता उम्र जब तक सांस चले हमरा संगीत से ईश्वर से हमरा मांगे के किछु अछि एक एकटा चीज कहै छी जब तक जिंदा छी संगीत के मार्फत से देश के समाज के सेवा करी। धन्यवाद आपके अहाँ के सांगीतिक यात्रा और सफल आ सुगत रहे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अपने हमरा अपन टीवी जते भी लोग सुनै छी और एकटा चीज लास्ट में की कहब कि हमरा सबके एक टा अपन मीडिया हब जेना आज हमरा बहुत खुशी लाग रहल है कि जनकपुर में आबि कऽ अपन टीवी में हम अपन बात रख रहल छी एहन अपन टीवी मधेश में मिथिला में भोजपुरा में और खुले ताकि यहाँ के प्रतिभा सबके अहाँ जे एक टा मंच दै छी एक्सपोज जे एक टा करी छी ई और खुले अपन मीडिया हब तगड़ा मीडिया हब बने और एहन रियलिटी शो काठमांडू में जाय छै हम चाहब कि मधेश में भी मिथिला में भी एहन कोनो बहुत सारा बिजनेसमैन सब छै जे और फील्ड में इन्वेस्ट करै छै हम कहै छी ई इन्वेस्ट करब त एमे धर्म हैत जी इतने कहब धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृन्द ओ छलथि रविराज शाह गायक आइ हुनका सब बातचीत करै छलिए जे लोक स्टार नेपाल लोक स्टार जे रियलिटी शो चलि रहल छै एहिमे टॉप सिक्स में पहुँचा ओ सफल भेल छलथि हुनकर यात्रा केहन रहलै हुनका केहन किस्म के कठिनाई के सामना करय पड़लै यावत विषय में आइ हुनका सब बातचीत करै छलिए। बेस्ता नमस्कार।